हेलो बच्चों, क्रैश कोर्स में आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में। हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा क्रैश कोर्स में चैप्टर 32 हम पढ़ेंगे जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। टोटल 38 चैप्टर में से 31 चैप्टर हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ये 32 चैप्टर जहाँ पर सेल साइकिल हम पढ़ेंगे और दो और टॉपिक है सेल डिवीजन में, माइटोसिस और मियोसिस। तो आज हम यहाँ पर माइटोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने ये देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सेल साइकिल, दूसरा एम फेज जिसे हम माइटोसिस के नाम से जानते हैं, तीसरा है सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस, चौथा टॉपिक है मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन और पांचवा टॉपिक होगा सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस। तो आज के लेक्चर में हम पहले तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे सेल साइकिल के बारे में, एम फेज यानी माइटोसिस के बारे में और माइटोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में। बेटा, इस अर्थ पर किसी भी अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, चाहे वो सबसे ही बड़ा ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, जैसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें इस अर्थ पे, तो ब्लू व्हेल हमारी धरती का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है और इसके जीवन की शुरुआत भी एक सिंगल सेल से होती है जिसे जायगोट के नाम से जाना जाता है। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है सबके लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है जिसे हम जायगोट कहते हैं। अब ये जो सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल से इतने बड़े ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाते हैं? जैसे आप एक बरगद के प्लांट को देखिए तो बरगद का प्लांट बहुत विशाल है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है, इसके जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। आप एलिफेंट को देखते हैं, इतना विशाल है लेकिन इसके जीवन की शुरुआत भी एक सिंगल सेल से होती है। तो सवाल ये कि एक सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है? तो इसका आंसर है सेल डिवीजन के द्वारा। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर है जिनके बारे में चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया गया था। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, हाँ रिप्रोडक्शन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता, हमने पढ़ा है म्यूल के बारे में, स्टराइल वर्कर बीस के बारे में, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल के बारे में। सभी सेल रिप्रोड्यूस करती हैं माइटोसिस के द्वारा और ये डिवाइड करती हैं दो डॉटर सेल में। जब एक पेरेंटल सेल डिवाइड करती है तो इससे दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है और जो डॉटर सेल होती है फर्दर डिवाइड करके नई सेल का फॉर्मेशन करती है। द न्यूली फॉर्म डॉटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड गिविंग राइज टू न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ द सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। जैसे अगर अपनी बात हम करें तो हमारे जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है जिसे हम जायगोट कहते हैं। जायगोट एक सिंगल सेल है, फिर इसमें डिवीजन होता है और इसमें डिवीजन से टू सेल स्टेज बनती है, दो सेल से फिर चार सेल बनती है, चार सेल में डिवीजन होने के बाद आठ सेल बनती है। इस तरीके से सेल का नंबर बढ़ता जाता है और आज हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल है, मतलब आज हमारी बॉडी के अंदर लाखों की संख्या में सेल पाई जाती हैं। तो एक सिंगल सेल से ही इन सारी मिलियंस ऑफ सेल का फॉर्मेशन हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि आज हमारी बॉडी में जितनी भी सेल हैं वो सब जायगोट की ही प्रोजनी है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ग्रोथ और डिवीजन होता है इसके द्वारा एक सिंगल सेल से यानी जायगोट से एक स्ट्रक्चर बनता है ऑर्गेनिज्म का जिसमें मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं। चलिए बेटा, अब इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है सेल साइकिल। सेल डिवीजन की बेटा अगर हम बात करते हैं तो सेल डिवीजन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी में सेल डिवीजन होता है। जब सेल डिवीजन होता है बेटा तो डिवीजन के समय डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेल ग्रोथ होती है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेल में ग्रोथ होती है और ये जितने भी प्रोसेस हैं, हम सेल डिवीजन की बात करें, डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें, सेल ग्रोथ की बात करें, ये एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम प्रोसेस है, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं ताकि सही तरीके से डिवीजन हो सके और जो प्रोजनी सेल बने उनमें जो जीनोम है वो सुरक्षित रहे। जीनोम का मतलब क्या है? हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नेम्ड एज जीनोम। तो अब सेल साइकिल क्या है बेटा? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, उन घटनाओं का क्रम बाय विच ए सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम। डुप्लीकेट इट्स जीनोम का मतलब क्या है? रेप्लिकेशन आप इसे कह सकते हैं। सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, जैसे आरएनए की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस, एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल इज टर्म्ड सेल साइकिल।
तो बेटा सेल साइकिल में क्या क्या चीजें होती हैं? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, आरएनए की सिंथेसिस होती है, और अल्टीमेटली सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाती है। इन्हीं सभी घटनाओं के क्रम को बेटा हम सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। अब यहां पर आपसे ये कहा गया है कि भले ही सेल ग्रोथ का मतलब क्या है, इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, बेटा जब सेल में साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ेगा तो हम कहेंगे सेल ग्रोथ कर रही है। सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कोई भी फेज आए सेल की उसमें सेल ग्रोथ होती रहेगी। डीएनए सिंथेसिस, जिसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल, और इसका नाम आप जानते हैं, इसे एस फेज कहा जाता है। द रेप्लीकेटेड क्रोमोसोम या डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाई ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दीज इवेंट आर देमसेल्व अंडर जेनेटिक कंट्रोल, यानी सेल डिवीजन के समय जो घटनाएं होती हैं वो सब जेनेटिक कंट्रोल में होती हैं। चलिए बेटा अगला टॉपिक है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अगर हम टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल की बात करें बेटा, तो जो ह्यूमन सेल होती है अगर इन्हें कल्चर में रखा जाए तो इनमें टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ह्यूमन सेल अगर कल्चर में रखा जाए तो ये सेल बेटा डिवाइड करेंगी एक बार हर 24 घंटे में, यानी हमारी सेल अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर में डिवाइड करेंगी। अब जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन है बेटा ये वेरी करती है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। जैसे ह्यूमन में आपने देखा कि सेल साइकिल की ड्यूरेशन 24 आवर है, ईस्ट अलग ऑर्गेनिज्म है और इसमें सेल साइकिल की ड्यूरेशन 90 मिनट की होती है। तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेल साइकिल की ड्यूरेशन चेंज होती है और साथ ही साथ सेल टाइप टू सेल टाइप भी इसकी ड्यूरेशन चेंज होती है। अब अगर हम सेल साइकिल की बेटा बात करें तो सेल साइकिल को दो बेसिक फेजेस में हम डिवाइड करते हैं। दो बेसिक फेजेस होती हैं सेल साइकिल की, एक को कहते हैं इंटरफेज, दूसरे को एम फेज या माइटोसिस फेज के नाम से जाना जाता है। तो इंटरफेज और एम फेज दो पार्ट यहां पर हो जाते हैं। अब एम फेज क्या है? एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। जब माइटोसिस या सेल डिवीजन होता है तो उसे हम एम फेज कहते हैं, और इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस, दो लगातार एम फेजेस के बीच में जो गैप होता है उसे इंटरफेज के नाम से जाना जाता है। अब बेटा यहाँ पर ये जरूरी है जानना कि अगर ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो 24 आवर की ड्यूरेशन है सेल साइकिल की, है ना, और इस 24 आवर की ड्यूरेशन में जो सेल डिवीजन है मतलब एम फेज है ये करीब 1 घंटे की होती है। इसका मतलब 23 घंटे कहाँ पर लगते हैं? इंटरफेज में। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरफेज करीब 95% समय लेता है सेल साइकिल का, और जो एम फेज है वो केवल 5% समय में पूरी हो जाती है। यानी जो बेटा इंटरफेज और एम फेज है उनमें अगर आप देखें तो करीब 95% समय इंटरफेज में लगता है और 5% समय में एम फेज यानी माइटोसिस कंप्लीट होती है। यहाँ पर फिगर भी आप देख लीजिए, ये नया फिगर एनसीईआरटी में इस डायग्राम को चेंज किया गया है। अगर आपकी एनसीईआरटी पुरानी होगी तो उसमें दूसरा डायग्राम आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बेटा ये एम फेज आपको दिखाई गई है ना, और एम फेज ये इतना पार्ट एम फेज है, यहां से यहां तक का इतना जो पार्ट आपको दिखाया गया है ये इंटरफेज है। अब इस इंटरफेज के तीन पार्ट हैं G1, S और G2, इन तीन पार्ट में इंटरफेज को डिवाइड किया गया है, और इसमें जो G1 फेज है सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। अगर हम चाहे इंटरफेज की बात करें और चाहे पूरी फेजेस में हम देखें तो G1 फेज जो है ये सबसे बड़ी फेज होती है। अब बेटा जो एम फेज होती है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियर डिवीजन जिसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन जिसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो एम फेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैरियोकाइनेसिस में और साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, यहाँ पर डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। अब बेटा देखिए इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहते हैं, लेकिन इस टाइम में जो 95% टाइम सेल साइकिल का, ये वो टाइम है सेल साइकिल का जब सेल रेस्ट कर नहीं रही है, सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। डिवीजन क्या है? एम फेज। तो भले ही इंटर फेज को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं लेकिन सेल रेस्ट नहीं कर रही, सेल तैयारी कर रही डिवीजन करने के लिए। और कैसी तैयारी कर रही है? सेल की ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, यानी साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है और डीएनए रेप्लिकेशन भी
इंटरफेज के दौरान ही होता है इन एन ऑर्डरली मैनर में। अब इंटरफेज को थ्री फर्दर फेजेस में डिवाइड किया गया, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एक G1 फेज है जिसे गैप ऑन कहते हैं, S फेज है जिसे सिंथेसिस कहते हैं, और G2 फेज जिसे गैप टू फेज के नाम से जाना जाता है। अब बेटा G1 फेज की अगर हम बात करते हैं तो G1 फेज किसके बीच में आती है? इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन कब होता है? S फेज में। तो इसको आप जरा जो आपको फिगर दिया गया उससे समझने की आप कोशिश करें कि G1 किसके बीच में आता है ना, जरा इस बात को समझिए यहाँ पर कि जो G1 फेज है, आप देखिए G1 फेज ये वाली जो फेज है इसे आप कहते हैं M फेज, ये M फेज हो गई इतनी है ना, तो M फेज और ये S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो तो इनके बीच की स्टेज है। तो G1 M फेज और S फेज के बीच की स्टेज है, यही यहाँ पर आपको लिख के बताया गया है। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लीकेट इट्स डीएनए। जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव होती है, मतलब रिएक्शन चल रही है इसमें लगातार, सेल की ग्रोथ हो रही है लेकिन इसका डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता। डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। एस और सिंथेसिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होने से डीएनए का अमाउंट सेल में डबल हो जाता है, यानी अगर इनिशियल अमाउंट डीएनए का सेल में 2C है तो एस फेज के बाद ये 4C हो जाएगा, और नीट में लगातार ये सवाल पूछा था। लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा यहाँ पर। अगर एक सेल में 2n नंबर क्रोमोसोम का है G1 फेज में, तो S फेज के बाद भी क्रोमोसोम का नंबर 2n रहेगा, यानी क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, डीएनए का जो अमाउंट है ये डबल हो जाएगा लेकिन क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहेगा, ये बात आप जरूर अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। अब पिछले चैप्टर के पहले आपने पढ़ा था कि जो एनिमल सेल होती उनमें एस फेज के दौरान जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये न्यूक्लियस में होता है और सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है साइटोप्लाज्म में। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाया जाता है और बेटा सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी एस फेज में होता है लेकिन साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है एस फेज के दौरान ही। तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है। अब आते हैं G2 फेज में। G2 फेज की बात करें तो यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और सेल ग्रोथ कॉन्टिन्यूज रहती है, क्योंकि सेल ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चाहे G1 फेज हो, S फेज हो या G2 फेज हो, सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूस प्रोसेस जो लगातार चलती रहती है। अब बेटा एडल्ट एनिमल में कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनमें डिवीजन नहीं होता है, जैसे हार्ट सेल की बात करें, नर्व सेल की बात करें, सेल डिवाइड नहीं करती, और कई ऐसी सेल हैं जो कभी कभी डिवाइड करती हैं जब जरूरत पड़ती है। कैसी जरूरत? जब सेल को रिप्लेस करना हो, कि इंजरी की वजह से चोट लग जाए, सेल की डेथ हो जाए, तो रिप्लेस करने के लिए सेल डिवाइड करती हैं। तो जो सेल डिवाइड नहीं करती हैं, दीज सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वेसेंट स्टेज या G0 स्टेज ऑफ सेल साइकिल। बेटा जो सेल फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं वो G1 फेज से सेल साइकिल के बाहर निकल जाती हैं और G0 फेज में एंटर करती है, जिसे क्वेसेंट स्टेज कहा जाता है। अब जो सेल G0 फेज में है वो मेटाबोलिकली एक्टिव रहती हैं लेकिन ये प्रोलीफरेट नहीं करती, मतलब डिवाइड नहीं करती, अनलेस कॉल्ड ऑन डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये डिवाइड कर भी सकती, जैसे इंजरी बताई गई, इंजरी होने पर या सेल डेथ होने पर, जरूरत पड़ने पर ये डिवाइड कर भी सकती, लेकिन नर्व सेल अगर इंजरी हो भी जाए तब भी डिवाइड नहीं कर सकती हैं। तो बेटा पिछले पेज पे एक फिगर आपको दिखाई गई और इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको G0 फेज दिखाई गई, तो इसको आप जरूर फिगर को अच्छी तरीके से समझ लेंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे ये फिगर पूछा गया है और आगे भी ये फिगर आपसे पूछा जा सकता है। तो G0 फेज को क्वेसेंट स्टेज कहते हैं। जो सेल डिवाइड नहीं करती है वो G1 फेज से बाहर निकल के G0 फेज में एंटर कर जाती है। अब एनिमल की बेटा अगर हम बात करते हैं तो एनिमल में जो माइटोटिक सेल डिवीजन यानी माइटोसिस होती है ये केवल डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में दिखाई देती है, केवल डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है बेटा जहां पर हैप्लॉयड सेल भी माइटोसिस के द्वारा डिवाइड कर सकती हैं, जैसे अगर हम बात करें मेल हनी बीज के बारे में, जो मेल हनी बी है वहां पर हैप्लॉयड सेल माइटोसिस के द्वारा डिवाइड कर सकती है। अब अगर हम प्लांट की बात करें बेटा, तो प्लांट में माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों तरह की सेल में पाया जाता है, दोनों तरह की सेल में
माइटोटिक डिवीजन पाया जाता है। जैसे आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, है ना, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, और वहां पर आप देखते हैं कि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सेल में माइटोसिस होती है और इसीलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। जबकि एनिमल में डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में ही माइटोसिस होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो आपको बताया गया, जैसे हनी बी के बारे में आपको बताया गया, मेल हनी बी के बारे में, जिन्हें ड्रोन्स के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बेटा, इंटरफेज हमने पढ़ लिया, बात करते हैं एम फेज के बारे में। एम फेज का मतलब माइटोसिस की हम बात कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी कह रहा है कि एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। ये सेल साइकिल की सबसे ड्रामेबाज स्टेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रीऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब जितने भी कंपोनेंट सेल के होते हैं उन सबका एक रीऑर्गेनाइजेशन होता है। अब बेटा यहाँ पर एम फेज में सेल डिवीजन होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन यहीं पर होता है। तो यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। पेरेंट और प्रोजेनी में क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है, इसलिए माइटोसिस या एम फेज को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। अब एनसीईआरटी क्या कह रहा कि भले ही अपनी सुविधा के लिए माइटोसिस या एम फेज को हमने फोर स्टेजेस में डिवाइड किया, न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस की हमने फर्दर चार फेजेस बनाई हैं, इट इज वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। मतलब भले हम ये कहते हैं कि कैरियोकाइनेसिस की चार फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, लेकिन कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं यहाँ पर। मतलब हमें यह नहीं पता है कि किस जगह पर प्रोफेज एक्चुअली खत्म हो रहा है और मेटाफेज शुरू हो रहा है, कहाँ पर मेटाफेज खत्म हो रहा है, एनाफेज शुरू हो रहा है, कहाँ पर एनाफेज खत्म हो रहा है, टीलोफेज शुरू हो रहा है, कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है। हाँ, कुछ घटनाएं होती हैं जिनको देख के हम कहते हैं कि अब प्रोफेज खत्म हुआ और मेटाफेज शुरू हो गया, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई, हमने कहा कि प्रोफेज खत्म हो रहा है। तो ये अपनी सुविधा के लिए हमने कैरियोकाइनेसिस की चार स्टेजेस बनाई हैं, न्यूक्लियर डिवीजन की चार स्टेजेस बनाई हैं, कोई क्लियर कट डिवीजन एक्चुअली होता नहीं है। तो चलिए अब इन कैरियोकाइनेसिस की चारों फेजेस को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे? प्रोफेज से। बेटा प्रोफेज की अगर हम बात करें तो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की, और कैरियोकाइनेसिस माइटोसिस की फर्स्ट स्टेज है। माइटोसिस में दो चीजें आपको पढ़नी होती है, कैरियोकाइनेसिस, दूसरी साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में चार पार्ट आप पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में। अगर जो प्रोफेज है फॉलोज द एस एंड जी टू फेजेस ऑफ इंटरफेज, यानी एस और जी टू फेज के बाद ये प्रोफेज स्टेज आती है। मतलब सेल साइकिल ऐसे चलते हैं ना, जी वन, एस, जी टू और एम। एम मतलब माइटोसिस, और माइटोसिस में पहले आती कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज आती है। तो मतलब यहाँ पर प्रोफेज सबसे पहले स्टेज आएगी। तो देखिए एस और जी टू के बाद कौन सी स्टेज आ रही? प्रोफेज आ रही। वही लिखा है कि प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस और माइटोसिस फॉलोज द एस एंड जी टू फेजेस ऑफ इंटरफेज। अब एस और जी टू फेज में जो डीएनए मॉलिक्यूल है बेटा, वो डीएनए मॉलिक्यूल डिस्टिंक्ट नहीं होता बल्कि उलझा हुआ होता है। मतलब वहां पर आपको क्रोमोसोम नहीं मिलेगा एस और जी टू फेज में, वहां पर जो क्रोमेटिन मटीरियल है डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में उलझा हुआ पाया जाएगा। अब प्रोफेज की शुरुआत में क्या होगा? देखिये प्रोफेज इज मार्क्ड बाई द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी जो क्रोमोसोमल मटेरियल है जिसे आप क्रोमेटिन कहते हैं, वो कंडेंस होना शुरू होता है। और जब कंडेंस होना शुरू होता है तो कंडेंसेशन के दौरान क्या होता है? द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड। अनटैंगल्ड मतलब सुलझना, ये सुलझना शुरू करता है कंडेंसेशन के दौरान। क्रोमेटिन कंडेंसेशन के दौरान क्रोमेटिन सुलझना शुरू करता है। अब बेटा सेंट्रोसोम की अगर हम बात करें, सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। अभी आपने देखा था एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी हुआ था। अब एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं और दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। तो अब प्रोफेज कंप्लीट हो रही, इसका पता कैसे लगेगा? प्रोफेज के कंप्लीशन का पता कुछ घटनाओं से चलता है, जैसे क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। बेटा क्रोमोसोमल मटेरियल यानी जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है, और जो क्रोमोसोम होते हैं वो दिखाई देते हैं
दो क्रोमेटिड के फॉर्म में और ये सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से अटैच होते हैं। यानी प्रोफेज में क्रोमोसोम इस तरीके से दिखाई देंगे, दो क्रोमेटिड जो सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से अटैच होंगी। दूसरा, जो सेंट्रोसोम में बेटा दो सेंट्रियोल हैं, ये अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं, है ना, ये अपोजिट पोल की तरफ पहुंच चुके हैं। अब जो बेटा सेंट्रोसोम है, ये माइक्रोटिब्यूल का फॉर्मेशन करने लगता है, जिन्हें एस्टर के नाम से जाना जाता है। टू एस्टर, दोनों पोल पे एक एक एस्टर बनते हैं, दो दो एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक एपरेटस। ये नया पॉइंट एनसीईआरटी में ऐड किया गया है। अगर आपकी एनसीईआरटी पुरानी है, अगर 1 साल से भी ज्यादा पुरानी, तो उसमें ये पॉइंट नहीं दिया गया होगा, एस्टर वाला पॉइंट, माइटोटिक एपरेटस वाला पॉइंट आपको नहीं दिया गया होगा। एक सेंट्रियोल एक पोल पे एक एस्टर बनाता है, दोनों एस्टर और स्पिंडल फाइबर को मिला के माइटोटिक एपरेटस कहते हैं। अब एंड ऑफ प्रोफेज की बात करें बेटा, अगर एंड ऑफ प्रोफेज में सेल को हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देगी। फिगर आप देख लीजिए यहाँ पर, ये आपको अर्ली प्रोफेज आपको स्टेज दिखाई गई जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है ना। और अगर आप लेट प्रोफेज स्टेज को देखेंगे तो लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है ना। और इसके अलावा न्यूक्लियोलस, ईआर, गॉल्जी बॉडी, ये सब डिसअपियर हो जाते हैं और आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। अब आते हैं मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज स्टेज में बेटा क्या होता है कि यहाँ पर मेटाफेज स्टेज का पता हमें कैसे लगेगा? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द माइटोसिस। यानी जब पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि प्रोफेज खत्म हो गई और मेटाफेज की शुरुआत हो गई। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो क्रोमोसोम क्या होंगे? क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में बिखर जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बची नहीं, तो अब क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ गए। अब जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन है बेटा, वो इस स्टेज तक कंप्लीट हो चुका है और अब माइक्रोस्कोप से क्रोमोसोम को आप आसानी से देख सकते हैं। ये वो स्टेज है, मतलब मेटाफेज वो स्टेज है जहां पर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी का, उनके नंबर का, उनके स्ट्रक्चर का सबसे आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। मेटाफेज स्टेज में बेटा जो क्रोमोसोम है, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड से बने होते हैं और दोनों क्रोमेटिड को सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से बांध के रखा जाता है। अब इस सेंट्रोमियर के ऊपर बेटा, उसकी सरफेस पे स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें काइनेटोकोर कहा जाता है, और ये सेल चैप्टर में भी आपको इसके बारे में बताया गया था। और जो काइनेटोकोर होते हैं, इन्हीं काइनेटोकोर से जो स्पिंडल फाइबर होते हैं बेटा, वो अटैच करते हैं। अब बेटा मेटाफेज में सबसे खास बात क्या है? मेटाफेज स्टेज की सबसे खास बात है कि जितने भी क्रोमोसोम सेल में होते हैं वो इक्वेटर पे आ जाते हैं। इक्वेटर मतलब सेल के बीचों बीच आ जाते हैं, और इनकी जो एक क्रोमेटिड होती है एक क्रोमोसोम की, वो अपने काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर के द्वारा एक पोल से अटैच होती है, और जो इसकी सिस्टर क्रोमेटिड है ये अपने काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर के द्वारा अपोजिट पोल से अटैच होती है। और इन क्रोमोसोम का जो अलाइनमेंट है मेटाफेज में, इसे मेटाफेज प्लेट का नाम दिया जाता है। जैसे कि फिगर अगर आप देखें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये जो स्टेज आपको दिखाई गई बेटा, ये है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज का मतलब है कि मेटाफेज और प्रोफेज के बीच की स्टेज आप मान सकते हैं कि ट्रांजिशन टू मेटाफेज, और ये मेटाफेज स्टेज आपको दिखाई गई। इस मेटाफेज स्टेज में आप देख सकते हैं कि जितने भी क्रोमोसोम सेल के अंदर हैं वो सब इक्वेटर पर अरेंज हो चुके हैं। ये इक्वेटर है बेटा यहाँ पर, ठीक है, दैट इज इक्वेटर। ये पोल आपको दिखाया गया और दो पोल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों पोल पे एक एक सेंट्रियोल यहाँ पर है, और इनसे जो स्पिंडल फाइबर निकले बेटा, ये काइनेटोकोर से अटैच हो चुके हैं। आप देखिए हर एक क्रोमोसोम दोनों पोल से अटैच है यहाँ पर, हर एक क्रोमोसोम। इस एक क्रोमोसोम को आप देखिए, तो एक क्रोमोसोम के पास दो काइनेटोकोर है, एक काइनेटोकोर के द्वारा एक क्रोमेटिड एक पोल से और दूसरी क्रोमेटिड अपने काइनेटोकोर से अपोजिट पोल से अटैच है। तो मेटाफेज के की फीचर क्या है, की मतलब इंपॉर्टेंट फीचर। पहला, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, जो स्पिंडल फाइबर है क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच कर जाते हैं। दूसरा, क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर एट बोथ पोल। तो क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज कर जाते हैं और अपोजिट पोल से जो स्पिंडल फाइबर है वो काइनेटोकोर से अटैच कर जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर है और लगातार आपसे पूछे भी जाते हैं। चलिए बेटा अगली स्टेज की बात करते हैं, एनाफेज। कैरियोकाइनेसिस की तीसरी स्टेज है एनाफेज। एनाफेज स्टेज आने पर जो क्रोमोसोम है जो मेटाफेज प्लेन पर अरेंज थे,
इन क्रोमोसोम में स्प्लिटिंग होती है, मेटाफेज प्लेट पे जो क्रोमोसोम है इनमें स्प्लिटिंग होती है और जितने क्रोमोसोम है सब एक साथ स्प्लिट करते हैं एंड द टू डॉटर क्रोमेटिड नाउ रिफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द टू अपोजिट पोल। और ये बहुत खास बात है, यानी अब जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है बेटा ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करती है क्योंकि जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट कर जाता है। अब जब क्रोमोसोम, अब देखिए ये जो हम कह रहे हैं क्रोमोसोम मूव अवे, क्रोमोसोम का मतलब बेटा ये फ्यूचर क्रोमोसोम की बात करें, डॉटर क्रोमोसोम की बात करें, है एक्चुअली क्रोमेटिड लेकिन इसको फ्यूचर क्रोमोसोम कहेंगे। जब ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं इक्वेटोरियल प्लेट से तो जो सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम का वो होता है पोल की तरफ आगे आगे रहता है और इसलिए इसे लीडिंग एज कहते हैं। और जो क्रोमोसोम की आर्म होती है बेटा वो पीछे पीछे रहती है, ट्रेलिंग बिहाइंड। तो अब एनाफेज स्टेज के कैरेक्टर क्या है इसको जरा देखते हैं। ये एनाफेज स्टेज आपको दिखाई गई, आप देख सकते हैं कि सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने से जो क्रोमोसोम है ये अपोजिट पोल की तरफ पहुंच चुके हैं। तो की इवेंट क्या, मुख्य घटनाएं क्या हुई, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, बहुत इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है कि माइटोसिस में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कब होती, एनाफेज में, क्रोमेटिड कब सेपरेट करती, एनाफेज में, क्रोमेटिड मूव टू द अपोजिट पोल ये भी एनाफेज में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बेटा टीलोफेज स्टेज। टीलोफेज स्टेज की अगर हम बात करें तो ये फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की और इस दौरान जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ पहुंच चुके हैं बेटा ये डीकंडेंस होते हैं। प्रोफेज में क्या हुआ था, कंडेंसेशन, यहाँ क्या हुआ, डीकंडेंसेशन और अब इनकी पहचान खत्म हो जाती है, यानी क्रोमोसोम अब अपनी पहचान खत्म कर देते हैं और अब ये जो क्रोमोसोम है बेटा डीकंडेंस होकर फिर से क्रोमेटिन मटेरियल का फॉर्मेशन कर देते हैं और ये दोनों पोल पे इकट्ठा हो जाता है। आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पर, अगर टीलोफेज स्टेज की बेटा हम बात करते हैं तो टीलोफेज स्टेज में क्रोमोसोम की पहचान खत्म हो जाती है। देखिए अब आपको क्रोमोसोम नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब आपको यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस आपको दिखाई दे रहा है जबकि एनाफेज में आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहे थे। तो टीलोफेज स्टेज में मुख्य घटनाएं क्या हुई जरा इनको एक बार समझ लेते हैं। की इवेंट की अगर हम बात करें तो की इवेंट क्या है टीलोफेज में, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एट डिस्क्रीट एलिमेंट, यानी क्रोमोसोम की जो पहचान थी वो खत्म हो गई। अब आप ये नहीं पता कर पाएंगे कौन सा पहला क्रोमोसोम है, कौन सा दूसरा क्रोमोसोम है, कौन सा तीसरा क्रोमोसोम है। न्यूक्लियर एनवेलप, अब न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाएगी क्रोमोसोम के अराउंड और दो डॉटर न्यूक्लियाई अपोजिट पोल पर बन जाएंगी। जो न्यूक्लियोलस गॉल्जी बॉडी और ER डिसअपियर हुए थे प्रोफेज वन में, अब वो फिर से रीअपियर हो जाएंगे। तो बेटा ये ध्यान रखिए जो प्रोफेज में चीजें हुई थी उसका उल्टा हुआ, प्रोफेज में कंडेंसेशन हुआ यहाँ डीकंडेंसेशन हुआ, प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हुई यहाँ पर फिर से आ गई, प्रोफेज में न्यूक्लियोलस गॉल्जी बॉडी ER डिसअपियर हुई यहाँ पर फिर से बन गए। तो बेटा ये तो बात हो गई कैरियोकाइनेसिस के बारे में, न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका, दो न्यूक्लियाई बन चुके हैं, अभी सेल डिवीजन नहीं पूरा हो क्योंकि अभी साइटोकाइनेसिस बाकी है। माइटोसिस एकम्प्लिसेस नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, यानी कैरियोकाइनेसिस करें माइटोसिस के लिए, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हुआ और आपने कहा माइटोसिस खत्म हो गई, अभी तो केवल न्यूक्लियाई बने हैं, तो अभी न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, अभी सेल डिवीजन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि सेल डिवीजन तब पूरा होगा जब दोनों सेल में साइटोप्लाज्म का सेपरेशन भी होगा जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे और साइटोकाइनेसिस होने के बाद हम कहेंगे कि सेल डिवीजन कंप्लीट हुआ। अब प्लांट और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस के अलग अलग तरीके हैं, अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस है ये फरो फॉर्मेशन के द्वारा होती है। फरो एक खांच है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपीयर होती है और इससे दो डॉटर सेल बन जाती हैं। जो फरो है वो पेरिफेरी से शुरू होती है और धीरे धीरे ये अंदर की तरफ गहरी होती जाती है और सेंटर में जब फरो ज्वाइन करती है तो साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस फरो फॉर्मेशन से होती है और प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में चूंकि सेल वॉल पाई जाती जो कि इनएक्सटेंसिबल है और इसलिए वहां पर फरो नहीं बन सकती है, इसलिए वहां पर साइटोकाइनेसिस के लिए अलग मैकेनिज्म का यूज होता है जिसे कहते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। यहां पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, प्लांट में सेल प्लेट बनती है और एनिमल में फरो फॉर्मेशन होता है।
तो प्लांट सेल में वॉल फॉर्मेशन सेंटर से स्टार्ट होता है और बाहर की तरफ ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सल कॉल्ड सेल प्लेट, और यही सेल प्लेट एक्चुअली मिडिल लैमिला को रिप्रेजेंट करता है। देखिए दो चीजें ध्यान रखिएगा, एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन पेरिफेरी से सेंटर की तरफ, प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। जिस समय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है तो जो ऑर्गेनेल होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, ये दोनों सेल में, दोनों डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अब यहां पर बेटा एक चीज ध्यान रखनी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जहां पर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। अब आप सोचिए कि कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है एक सेल में, दो न्यूक्लियाई बन चुके हैं, लेकिन अगर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तब तो दोनों सेल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, है ना, दो सेल यहां पर बन जाएंगे इस तरीके से। लेकिन अगर आप सोचिए साइटोकाइनेसिस ना हो तो एक सेल में दो न्यूक्लिया आ गए, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज हो जाएगी, और इसको सिंसाइसियम कहते हैं। जैसे लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट आपने पढ़ा है, ये सिंसाइसियम का एग्जाम्पल है। तो यहां पर बेटा आप देख सकते हैं कि जब साइटोकाइनेसिस पूरा होता है तो दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर से सेल इंटरफेज में एंटर कर जाती है। लेकिन अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो उस केस में सिंसाइसियम आता है और सिंसाइसियम में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। चलिए बेटा बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस इस बारे में हम जान लेते हैं। बेटा माइटोसिस की बात करें, जैसे पहले भी आपको बताया गया, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं और ये यूजुअली मतलब ज्यादातर सीमित होता है डिप्लॉयड सेल में, लेकिन कुछ लोअर प्लांट हैं और कुछ सोशल इंसेक्ट जैसे हनी बी की बात बताई गई जहां पर हैप्लॉयड सेल माइटोसिस के द्वारा डिवाइड कर सकती हैं। अब ये माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसको जरा समझते हैं। देखिए माइटोसिस में क्या होता है बेटा, माइटोसिस में डिप्लॉयड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर दोनों डॉटर सेल में सेम टाइप का जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है बेटा ये माइटोसिस के द्वारा होती है। जैसे आप अपनी बात करें, हमारे जीवन की शुरुआत जाइगोट से हुई, आज हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल हैं और ये माइटोसिस से ही बनी। जब सेल ग्रोथ करती है तो उसमें जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, डिस्टर्ब हो जाता है और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि सेल डिवाइड करें ताकि न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो कांस्टेंट रहे। दूसरा बेटा माइटोसिस का पहला सिग्निफिकेंस क्या हो गया, दैट इज ग्रोथ। दूसरा हो गया माइटोसिस का सिग्निफिकेंस सेल रिपेयर। एपिडर्मिस की जो अपर लेयर की सेल होती हैं, इसके अलावा अगर हम गट की एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग की सेल की बात करें, ब्लड सेल की बात करें, आरबीसी की बात करें, इनको कॉन्स्टेंटली रिप्लेस किया जाता है। जैसे आरबीसी की लाइफ स्पेन 120 डेज होती है, इसके बाद इनको रिप्लेस किया जाता है। तो बोन मैरो की जो सेल होती हैं वो डिवाइड करती है माइटोसिस के द्वारा और ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती हैं। अब जो माइटोटिक डिवीजन होता है मेरिस्टमैटिक टिश्यू में, जैसे एपिकल और लेटरल कैम्बियम में, तो इससे कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है प्लांट में पूरी जिंदगी भर। तो बेटा आज ये माइटोसिस का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, कल हम मेंटी और लाइव सेशन में इसके क्वेश्चन करेंगे 12 बजे से, और मियोसिस का जो टॉपिक है वो कल मैं अपलोड करूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ।